अरे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कोई ना कोई तो आंसर आएगा। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ इस एन के आगे मैं कौन सा साइन लिखूं। अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो और मल्टीप्लाई होगा तो साइन कैसा रहेगा? एडिशन नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब करते हैं। या एडिशन नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा नंबर, ठीक है। अगर एक नंबर आपका नेगेटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? एक नंबर आपका नेगेटिव है और उसी नेगेटिव नंबर को आप फिर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? सोच लो सभी स्टूडेंट। चलो कमेंट बॉक्स में, है ना, अपने कमेंट बॉक्स में प्लस या माइनस लिख के भेजो। अगर आप कह रहे हो पॉजिटिव तो प्लस लिखो, अगर आप कह रहे हो नेगेटिव तो माइनस लिखो। अपने कमेंट बॉक्स में आप प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। आपके पास में एक नंबर नेगेटिव का है और एक नंबर फिर से नेगेटिव का है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि गुणा कर रहे हो, तो आपके पास में आंसर कैसा रहेगा? आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा या आंसर नेगेटिव रहेगा? अगर आपका पॉजिटिव है तो प्लस लिखिए, अगर आपका नेगेटिव है तो माइनस लिखिए। कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए, मैं चेक करता हूं। देखो, अगर आपके पास में कोई नंबर सर नेगेटिव है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो सर पॉजिटिव नंबर से, एक नंबर आपके पास में नेगेटिव है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर पॉजिटिव से,
यानी कि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर जो आपका रहेगा वो हमेशा आपका आंसर किस में रहेगा सर, नेगेटिव में रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा सर, माइनस का 32 आएगा, ध्यान रखना इस बात। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं। इसके लिए आपको लिखा हुआ है कि सर प्लस का 16 मल्टीप्लाई माइनस का 10। चलो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। नहीं, बड़ी संख्या का नहीं लगता, बड़ी संख्या का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है, बड़ी संख्या का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है, मल्टीप्लाई में नहीं लगता। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एक साथ लिखवाए ताकि आप जब सिंप्लीफिकेशन करें तो कंफ्यूजन नहीं हो। आप इस बात का ध्यान रखना, बड़ी संख्या का साइन नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं, मल्टीप्लाई में हमेशा आंसर इस तरह लिखा जाता है। और बड़ी संख्या का साइन या ग्रेटर नंबर का जो चिन्ह लगाया जाता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाया जाता है। कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि आपको सब कुछ आते हैं, भी आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर वो आपका रॉन्ग होने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ। देखो, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, अगर एक नंबर आपके पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि सर यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास में सर ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन हो गया ना, यहाँ कह सकते हैं कि सर ऑपोजिट साइन की यहाँ पर क्या है, हमारे पास में नंबर है, जिसे क्या कह सकते हैं सर, विपरीत चिन्ह वाली है। और अगर ऑपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह होगा, तो हमेशा क्या होगा सर, सब्ट्रैक्शन। हमेशा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसे घटाव कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और अगर सर सेम साइन होगा, अगर समान चिन्ह होगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ क्या हो गया सर, सेम साइन हो गया, जिसे हिंदी में सर समान चिन्ह कहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हमेशा सर, हम यहाँ पर हमेशा हम एडिशन करेंगे, जिसे सर हिंदी में जोड़ कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा साथ में। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सर, माइनस का 2 प्लस का 4, इसका आंसर आप भेज दीजिए। इसके अलावा एक मैंने लिखा सर माइनस, सॉरी यहाँ लिखा सर 10 माइनस 6, ये लिखा मैंने। एक मैंने लिखा कि सर, चलो 10 माइनस 16 कर देते हैं यहाँ पर, है ना, 10 माइनस 16। और इसके अलावा मैंने एक लिख दिया कि देखो माइनस का 12 और माइनस का 12, ये लिख दिया, इसका आंसर भेज दीजिए। और इसके अलावा मैंने एक लिख दिया कि सर यहाँ पर 13 सर टेन, इसका आंसर भेज सर दीजिए। सर तो प्लस 4 है कि 4 है ओनली? अब कुछ बातें समझाऊंगा मैं, उन बातों को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो पूरे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। यस, अब यहां क्या लिखा हुआ देखो कि सर, एक नंबर, पूरे ध्यान से, क्योंकि ये पॉइंट हमारे काम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान से पॉइंट को समझ लेना, हर एक पॉइंट को। सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सर वहां पर एक नंबर हमारे पास में दी हुई सर नेगेटिव की, और उसके साथ में एक नंबर दी हुई पॉजिटिव की। सर यहाँ ना तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ना ही कोई नंबर ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई तो कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपके पास में ये ऐसे लिखा होता मल्टीप्लाई, तब इसको करते मल्टीप्लाई, या अगर आपके पास में ये ऐसे लिखा होता, तो बात सुनोगे ही, बात सुनोगे, थोड़ा पेशेंस रखो ना, सुनने का थोड़ा पेशेंस रखो, मैं लिख तो रहा हूं ना, थोड़ा सा इंतजार करो, बता दूंगा, सारी बातें बताऊंगा। मुझे पता है कि आपसे बार बार बात करते हो, मुझे आइडिया लग गया कि किस बच्चे का कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है। जहां तक हो सकेगा आपके सारे कंफ्यूज मैं ऐसे ही क्लियर कर दूंगा। फिर भी नहीं हो तो फिर अपना हैंड रेज करके आराम से पूछो, मना नहीं है, लेकिन पहले सुनो। पहले क्या पता मैं आपका कंफ्यूजन यही निकाल दूं सारे क्वेश्चन। यह देखिए, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते सर, मल्टीप्लाई करते इन दोनों नंबर्स को। अगर मान लो ब्रैकेट हो, तो मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं रहता, इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट है तो भी क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए या तो ब्रैकेट लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा, या आपके पास में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसका आंसर कितना होता सर, 4 2 या 8,
एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, अभी अभी आपको सिखाया था कि ऑपोजिट साइन हो एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, तो हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना रहेगा सर, माइनस का एट, और इसका आंसर भी कितना रहेगा माइनस का एट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई माइनस एट। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या कोई ब्रैकेट है? नहीं सर। क्या यहां पर मल्टीप्लाई साइन है? नहीं सर। अब यहां से एक अच्छी बात सीखना, दोनों ही नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसी तरह का कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ सिंपल सा हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का एक रूल सिखाया था मैंने, क्या बताया था, एक नंबर आपकी नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो पहले तो आप ये बताओ कि सर ये ऑपोजिट साइन के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, या ये सर सेम साइन या समान चिन्ह के, तो आपको कह सकिए ऑपोजिट साइन के। और ऑपोजिट साइन जब भी आपके सामने होगा तो हमेशा आप क्या करोगे सर, हमेशा हम सब्ट्रैक्शन या घटाव करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर, यहाँ सब्ट्रैक्शन या घटाव करेंगे। पहली बात, अगर आपको फोर और टू का अगर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना हो या अंतर पता करना हो या इनका सब्ट्रैक्शन या घटाव पता करना हो, तो आप कितना कहोगे सर, टू रहेगा। अब ध्यान रखना मल्टीप्लाई जो होता है वहां पर बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहता, इस मल्टीप्लाई में दोबारा सुन लेना, मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहता है, आंसर केवल और केवल इन चिन्हों पर, इन साइंस पर निर्भर करता है, यहाँ बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहेगा। ध्यान रखना मल्टीप्लाई या गुणा में ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि आंसर के आगे जो भी साइन रहेगा वो हमेशा इन साइंस के हिसाब से या इन चिन्हों के आधार पर हम यहाँ पर साइन लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, जोड़ या घटाव कर रहे हो, तो उस समय जो भी आपके पास में आंसर रहेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जो भी आपके पास में आंसर रहेगा उस आंसर के साथ में आप अपना आंसर देखो, जो भी आपके पास में आंसर आएगा, यानी कि आपके पास में जो भी उत्तर आएगा उसके साथ में आप अपना साइन किसका लिखोगे, साइन या जो चिन्ह होगा वो हमेशा किसके हिसाब से आएगा, वो हमेशा सर बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा, किसका लिखा जाएगा, ग्रेटर नंबर का चिन्ह लिखा जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा, किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक दिव्यांश ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा क्या, नहीं मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर का जो चिन्ह रहता है वो हमेशा बड़ी संख्या के हिसाब से लिखा जाता है, उसके आधार पर लिखा जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ग्रेटर नंबर का कोई रोल नहीं रहता, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रोल रहता है। मेरे साथ बातों को याद करने की कोशिश करो। अब इधर देखिए, तो सर आपने अभी अभी हमें ये सिखाया कि यहाँ पर हमेशा ग्रेटर नंबर के हिसाब से हम साइन लिखेंगे, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन, सर ये जो आपके पास में जो फोर लिखा हुआ है ये यहाँ पर बड़ी संख्या है, और उसके आगे साइन कैसा है सर, प्लस का, तो इस नंबर के आगे साइन भी कैसा रहेगा सर, प्लस का, और ये आंसर कितना हो गया सर, प्लस का। तो पहला क्वेश्चन तो ये बात। सेकेंड क्वेश्चन सर, यहाँ हमारे पास में ये नंबर जो लिखा हुआ है 10, आपने हमें कहा था कि या तो 10 हो या +10 हो, दोनों ही समय वो नंबर कैसी होती है, वो नंबर होती है सर पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या होती है, 10 हो चाहे +10 हो, तो ये हमारी हो गई सर पॉजिटिव और ये हमारी हो गई सर नेगेटिव। सर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, यानी कि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, ना तो बीच में मल्टीप्लाई है ना ही ये कोष्ठक में लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब कि सर यह मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं होगा, होगा तो यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन करें कि सब्ट्रैक्शन करें, सर एक नंबर प्लस एक माइनस, क्या हुआ सर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन होने पर हमेशा क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट होते क्या हो जाएंगे, वो घट जाएंगे आपस में से, कम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। सर 10 और 16 का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 6, कितना आएगा 6। लेकिन सर आपने अभी अभी हमें सिखाया कि जो भी आंसर या उत्तर रहेगा उसके आगे साइन हमेशा या चिन्ह किसका रहेगा सर, ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा। यहाँ पर सर ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या कौन, सर यहाँ पर है 16, 16 यहाँ पर बड़ी संख्या कौन हो गई सर, यहाँ पर बड़ी संख्या हो गई सर 16।
अभी 16 के आगे साइन कैसा है, 16 के आगे सर साइन लिखा हुआ है माइनस का, किसका लिखा हुआ है माइनस का, इसलिए इस नंबर के भी कैसा लिखा जाएगा सर माइनस का, और इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। दोबारा सुनना सर, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ओपोजिट साइन, ओपोजिट साइन होने के कारण हमने यहां पर क्या किया सर सब्ट्रैक्शन किया माइनस किया, लेकिन सर जो भी आंसर रहेगा उस आंसर के आगे साइन जो लिखा जाएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का या ग्रेटर नंबर का लिखा जाएगा। यहां पर ग्रेटर नंबर था सर 16 के आगे साइन था माइनस, इसलिए हमारे आंसर के आगे भी साइन कैसा रहा माइनस रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ सर, यह हमारे पास में लिखा हुआ सर माइनस का 12 यानी कि नेगेटिव नंबर, इसके साथ में एक और नंबर लिखा हुआ सर माइनस का 12 यानी नेगेटिव नंबर। क्या यहां पर कोई मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं सर। क्या यहां पर कोई ब्रैकेट लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा? नहीं सर। मल्टीप्लाई कब होता सर? या तो उसके साथ में ब्रैकेट होता या उसके साथ में कोई ना कोई ब्रैकेट या मल्टीप्लाई का साइन होता, कोष्टक लिखा होता या गुणा का चिन्ह होता, तब तो करते सर मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा अभी यहां पर कोई सीन नहीं है। तो क्या करेंगे सर? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन करें कि सब्ट्रैक्शन करें सर? एक नंबर नेगेटिव एक नंबर फिर से नेगेटिव, तो सर ऑपोजिट साइन है या सेम साइन है? तो आपने कहा इस बार सर सेम साइन है, तो चलिए हम अपने उसी जगह पे चलते हैं वापस। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? दो चिन्ह अगर समान हो, अगर दो साइन अगर सेम साइन हो जाए हमारे पास में, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, माइनस माइनस या प्लस प्लस हो जाए, तो सेम साइन या समान चिन्ह होने पर सेम साइन आदमी मिलके क्या बन जाते हैं सर? वो तो जुड़ जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास में एक एप्पल है, चलो एप्पल को रेड से बनाते हैं ना, एप्पल को रेड से बनाते हैं, मान के चलो कि आपके पास में एक एप्पल है, ठीक है, मैंने आपको एक एप्पल और आपको दे दी, सेम सेम थे ना, तो आपके पास क्या हुआ सर? ये तो प्लस हो गए, हमारे पास में तो टू हो गए, सेम सेम होकर हमारे पास में टू एप्पल हो गई, कितनी हो गई टू एप्पल हो गई। इसका मतलब कि सेम सेम अगर साइन होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, दोनों समय क्या होगा सर? हमेशा एडिशन होगा, क्या होगा? हमेशा जोड़ होगा। कब? जब समान चिन्ह हो या सेम साइन आपके पास में हो। तो यहाँ पर सर 12 और 12 दोनों प्लस हो गए, कितना बना दिया सर 24, कितना बना दिया 24 बना दिया। सर आंसर जो लिखा है उसके आगे हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या तो कोई है ही नहीं, दोनों इक्वल है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जब दोनों इक्वल है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, दोनों इक्वल है तब तो टेंशन ही नहीं, किसी का भी एक का लिख दो, जब दोनों बराबर है तो कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो दोनों के आगे भी देखो चिन्ह भी किसका है माइनस का, तो इसके आगे भी माइनस रहेगा। अब आप एक बात कहोगे सर, इस बार तो आपने सेम सेम साइन था, कि अगर आपके पास में ऐसा होता तो क्या लिखते आप? अगर आपके पास में सेम नंबर होती, कोई सेम नंबर होने के बाद में आपके पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, इस बार तो आपने कहा कि सर दोनों का कि सेम साइन था, तो आपने प्लस कर दिया और माइनस का 24 कर दिया सर। यहां क्या लिखा हुआ है सर? यहां दोनों नंबर माइनस के थे, सेम सेम थे सर, समान चिन्ह होने पर सेम साइन होने पर हमेशा क्या करेंगे? एडिशन। देखो मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो फिर मल्टीप्लाई करते, ना ब्रैकेट है ना मल्टीप्लाई है, इसलिए क्या करेंगे सर? एडिशन करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि समान चिन्ह होने पर अगर सेम सेम होंगे तो सेम सेम होने पर क्या हो जाएंगे सर? वो प्लस हो जाएंगे। कर दिया सर प्लस, लेकिन सर प्लस प्लस तो कर दिया 24, लेकिन आंसर होगा कि साइन किसका लिखेंगे सर? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सर? बराबर है, तो किसी भी एक का लिख दो, हो गया सर माइनस और माइनस, दोनों करके माइनस है तो एक का लिख दो माइनस का। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा सीन होता कि सिर्फ एक माइनस का 12 होता और एक प्लस का 12 होता, एक माइनस का 12 होता और एक प्लस का 12 होता, तो क्या करते? ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो बताओ सेम साइन की ऑपोजिट साइन सर? सबसे पहले पॉइंट सर ऑपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, ऑपोजिट साइन होने पर क्या होगा सर? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। अब बताओ 12 में से अगर 12 को माइनस करेंगे, आपके पास में 12 एप्पल्स थी और मैंने आपसे 12 की 12 एप्पल्स आपसे ले ली कि लाओ मुझे दे दो, आपके पास क्या रहा सर? हमारे पास में 0 रहा। हमारे पास में कितना रहा? हमारे पास में 0 रहा। अब ध्यान रखना, यहां से एक और अच्छी बात बता दूं,
क्या जीरो पॉजिटिव होता है, क्या जीरो नेगेटिव होता है? नहीं, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो के आगे कोई साइन नहीं रहता, जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, ध्यान रखना। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही जीरो नेगेटिव होता है, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। आपके एग्जाम में ऐसा लिखा सकता है कि ये कथन ट्रू या फॉल्स में हो सकता है कि जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर, ऐसे लिखा जा सकता है, जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर। यस ऐसे क्वेश्चन 2021 में आया था। जीरो इज ए नेगेटिव नंबर, ऐसा लिखा। हाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अरे सुनो तो सही, थोड़ा इंतजार करो पहले मेरे को लिखने दो। शून्य एक धनात्मक संख्या है, शून्य एक धनात्मक संख्या है, शून्य एक ऋणात्मक संख्या है। अब आपके पास में और चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपसे कहे कि इसमें से ट्रू ऑफ फॉल्स कौन सा है, तो आप कहोगे सर पहला पॉइंट तो ये आपका फॉल्स है ना, और ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, क्योंकि जो जीरो होता है वो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज ए जीरो, जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसको ना आप धनात्मक कह सकते हो ना ऋणात्मक कह सकते हो। हाँ अब जीरो नेचुरल होल और इंटीजर, आपसे ये कहे कि ये जीरो क्या है, तो आप कहोगे सर जीरो नेचुरल नहीं होता, जीरो नेचुरल नहीं होता, होल नंबर होता है, इंटीजर जीरो होता है, लेकिन जीरो ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। आज से ध्यान रखना, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो कभी भी प्लस जीरो नहीं लिखा जाएगा ना ही माइनस जीरो लिखा जाएगा, दोनों ही नहीं लिखा जाएगा, जीरो इज ए जीरो, जीरो इज ए जीरो, इतना ध्यान रखो जीरो केवल जीरो है, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, जीरो एक जीरो है क्योंकि जीरो बीच में आता है, जीरो से पीछे जाओगे तो माइनस आएगा, जीरो से आगे जाओगे तो प्लस आएगा, लेकिन जीरो तो जीरो है, ठीक है, तो जीरो तो जीरो है, ये ध्यान रखो, जीरो इज ए जीरो, जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ ये जीरो क्यों आया भाई, आप कहोगे सर जीरो तो आना ही है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन होने पर माइनस किया, 12 - 12 तो जीरो, और जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव हो गया काम। अब देखो, अरे रुक जाओ पहले एक बार मुझे तो बोलने दो, आप हैंडरेज कर लो आपके डाउट में, अपना डाउट लिख के रखो। अगर आपके पास में माइनस का 2 और प्लस का 3 होता, नहीं सॉरी -2 + 3 नहीं, कुछ और लिखते हैं, अगर आपके पास में यहां लिखा होता कि -10 अगर आपके पास में यहाँ लिखा होता -10 और +8 और आपको आंसर पूछ लेते इसका कितना आएगा, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके बहुत काम करेंगे। ये नंबर कैसा है सर, नेगेटिव, ये नंबर कैसा है सर, पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, क्या हो गया सर, ऑपोजिट साइन या विपरीत चिन्ह, पहला पॉइंट ये। सर जब ऑपोजिट साइन हो गया तो हमेशा क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन या क्या करेंगे सर, घटाव करेंगे, पहला पॉइंट तो ये। अब बताओ 10 और 8 इनका अगर आप डिफरेंस करते हो तो आंसर कितना आता है सर, हमारे पास में आता है सर 2, पहला पॉइंट तो ये। अब आंसर क्या, साइन किसका लिखा जाता है सर, बड़ी संख्या का, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सर हमारे पास में, सर बड़ी संख्या हमारे पास में है ये 10, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है हमारे पास में सर 10, ग्रेटर नंबर इज 10, और सर 10 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो इस आंसर के आगे भी साइन कैसा रहेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा सर माइनस का। इस बात का बहुत ध्यान रखना है ना, इस बात का बहुत ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये वाला ऐसा क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर देख लिया था है ना, पहले से देख लिया था कि देखो -2 + 4 है, दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ, बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस आ गया, इधर आपके ऑपोजिट साइन ही है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस हुआ, लेकिन ग्रेटर नंबर माइनस की थी इसलिए भी माइनस करा, यहाँ दोनों सेम साइन थे तो सेम साइन होने के कारण क्या हो गया, प्लस हो गया, सेम साइन होने के कारण क्या हुआ, प्लस हो गया, प्लस और प्लस हो गया कितना बन गया सर, प्लस और प्लस हो गया 24 हो गया। अब ग्रेटर नंबर दोनों इक्वल है, दोनों के साथ में सेम साइन है तो ये हो गया, लेकिन अगर समान
संख्याएं समान हो और साइन ऑपोजिट हो, ये देखो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या पता आपको, यहाँ नंबर सेम है लेकिन साइन सेम है, या नंबर सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखने का ट्राई करो। यहाँ क्या हो रहा है सर, सेम नंबर है और साइन भी सेम है, या नंबर सेम है साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट है तो क्या हुआ सब्ट्रैक्शन इसलिए जीरो आया, साइन सेम है तो हुआ एडिशन इसलिए 24 आया। यहाँ क्या होगा सर, ये नंबर हमारी है पॉजिटिव और ये नंबर भी कैसी है सर पॉजिटिव, क्या कोई मल्टीप्लाई है नहीं, क्या कोई ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट और मल्टीप्लाई नहीं तो मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर सर जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन करूं, 13 और +10 दोनों पॉजिटिव नंबर है, समान चिन्ह है, सेम साइन है तो प्लस होगा, प्लस होके कितना बढ़ गया सर 23। बड़ी संख्या कौन इन दोनों में सर, बड़ी संख्या हमारे पास में है, सॉरी बड़ी संख्या कौन, बड़ी संख्या सर हमारे पास में 13, बड़ी संख्या कौन है 13, और 13 के आगे साइन कैसा सर प्लस का, तो इसके आगे साइन कैसा रहेगा सर प्लस का, तो इसको या तो आप 23 लिख सकते हो या फिर इसको आप प्लस का 23 लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, इस तरह ये रहेंगी। अब मैं इसी के साथ में इन्हीं नंबर्स को मैं क्या लिख के देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई में आपको सिखा देता हूँ ताकि दोनों कंफ्यूजन एक साथ क्लियर हो जाए, इसके पास ही लिखूंगा जिससे क्या होगा कि आपका ये कंफ्यूजन है ना यही क्लियर हो जाए कि सर अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो फिर क्या लिखते, है ना, इनकी एक साथ हम कंपेरिजन कर ले। कंपेरिजन करने से क्या होगा कि जैसे हमें आइडिया रहे कि सर इनका मल्टीप्लाई क्या हुआ, बहुत ज्यादा चमक रहा है, चलो मैं इसको येलो को हटा देता हूँ ना, येलो को हटा देता हूँ। हाँ वी बोर्ड मास से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो वी बोर्ड मास से पहले जाननी जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर ऐसी गलतियां नहीं हो इसलिए, ठीक है। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन बाद में बताएंगे क्लास के लास्ट में ना, पहले मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, नहीं फिर ये वाला बीच में रह जाएगा, क्वेश्चन आपको बताएंगे जरूर लेकिन पहले आपको ये करवाएंगे, ठीक है। अंशिका अब थोड़े चमक रहा है, चलो वो 4 वाला तो आप देख लेना ना, अभी मैं एक बार इनको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ सर। यहां जब हमने लिखा कि -2 × 4, एक तो ये लिख दिया 10 ब्रैकेट, कोई बात नहीं है ना, रुक जाओ मैं 13 × 10 − 10 8 − 12 × 12। अब इनको एक साथ देख लेना सभी स्टूडेंट, है ना, ये मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं ताकि आप इन बातों को समझ सको कि ये रियल में हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इधर ले आते हैं। यहां देखिएगा सर क्या हुआ, अब हम चलेंगे सर मल्टीप्लाई पे, इस बार आपके पास में किसका साइन है सर मल्टीप्लाई का, पता चला मल्टीप्लाई का साइन है, एक नंबर सर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखना, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो 1 − 1 + ऑपोजिट साइन है, और जब भी ऑपोजिट साइन होता है तो क्या होता है यहाँ पे, चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले इसको भी बना देता हूँ। यहाँ देखो एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हमेशा साइन जो रहेगा वो आपके पास में हमेशा माइनस का रहेगा, मतलब यहाँ पर आएगा −160। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ इसके साथ में पॉइंट ये लिख देता हूँ कि अगर आपके पास में ऑपोजिट साइन हो, अगर आपके पास में ऑपोजिट साइन हो या विपरीत चिन्ह हो अगर आपके पास में, तो ऑपोजिट साइन या विपरीत चिन्ह होने पर आपके पास में क्या होगा सर, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव नंबर आएगी, यानी कि जिसे ऋणात्मक कहा जाता है हिंदी में वो नंबर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑपोजिट होने पर माइनस और सेम होने पर प्लस।
अब यहाँ आप खुद अपने माइंड में सोचना स्टार्ट करना कि सर ये नंबर है पॉजिटिव है ना, ये नंबर कैसा है सर नेगेटिव, और ये नंबर कैसा है पॉजिटिव। तो एक नंबर माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं सर माइनस बनाते हैं, और 4 2 8। और मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई में और डिवाइड में बड़ी संख्या का कोई इफेक्ट नहीं रहता, यहाँ पर कोई रोल नहीं है ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर का रोल कहाँ रहेगा सर, केवल और केवल इन नंबर पे ग्रेटर नंबर का रोल रहेगा प्लस और माइनस में। मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या है, ग्रेटर नंबर का कोई रोल नहीं है वहां, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा सारा आंसर सर इन नंबर, इन जो साइंस होगा उन साइन को मल्टीप्लाई पे। दूसरा क्वेश्चन सोचना सर, ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखे होने का मतलब क्या हो गया कि मतलब सर 10 मल्टीप्लाई -16, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो किसका होता है मल्टीप्लाई का होता है। तो ये सर फिर से मल्टीप्लाई हो गई, ये नंबर कैसा है पॉजिटिव, ये नंबर कैसा है नेगेटिव। तो सर एक नंबर प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फिर से सर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन होने पर क्या हो गया सर माइनस का आएगा, और कितना आ जाएगा सर 160। तो यह है माइनस का 8, यह है माइनस का 160। यहाँ देखिए सर यहाँ पर ये माइनस का 12 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर से मल्टीप्लाई माइनस का 12 हो जाएगा। सर यहाँ पे एक नंबर आपका नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी आपका कैसा है नेगेटिव, यानी कि माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर सेम साइन होने पर आपने अभी भी सिखाया था कि नंबर हमेशा बनेगी प्लस की, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 144। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 144, वो भी किसका प्लस का। इसको आपको 144 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं साइन, तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर एडिशन हो गया आपका, यहाँ पर जोड़ हो गया, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि सेम साइन होने पर बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह लगता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है उसमें तो बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह लगता है, और मल्टीप्लाई में साइन के हिसाब से चिन्ह लगता है। इन दोनों बातों को साथ में सोचो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह लगेगा, जबकि मल्टीप्लाई में हमेशा साइन के हिसाब से चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको आप बनाना। सर यहाँ पर ये नंबर कैसा है, ये नंबर है सर पॉजिटिव और ये नंबर है पॉजिटिव। सर दोनों संख्याएं प्लस को प्लस से गुणा कर रहे हो, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर भी प्लस का रहेगा, और कितना रहेगा 130। यहाँ क्या हुआ सर, माइनस का 10 मल्टीप्लाई 8। सर एक नंबर आपका नेगेटिव है और एक नंबर आपका पॉजिटिव है, सर माइनस को प्लस से गुणा कर रहे हैं तो आंसर हमेशा किसका आएगा सर माइनस का, और कितना आ जाएगा 80। तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस का 80। एक बार अब यहां क्या हुआ सर, यहां देखो ये नंबर है आपका माइनस का और ये नंबर है प्लस का, अगर माइनस को प्लस से गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर माइनस का, और माइनस का 144, ये हमारा आंसर रहेगा। अब आप सभी स्टूडेंट, आपके सामने ये तो लिखा हुआ है ना, चलो मैं अब आपको ये नहीं दिखाऊंगा, अब आपको मैं चेक करता हूं कि आपने कितना सीखा है, इस बात को हम यहां लिख लेते हैं, उठा लो। यहां देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बनाने की ट्राई करना, जितना आप बना पाओ, सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि सोचना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे बातों को, लेकिन अगर नहीं सोचोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। देखो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 10, एक तो ये करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करूंगा मैं, और अपने नोटबुक में टिक लगाते जाना साथ साथ में, ठीक है, केवल टिक लगाने के लिए ही नोटबुक उठानी है, उतना ही काम करना नोटबुक में, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है। पहले क्वेश्चन देखना है, आंसर बनाने के बाद में टिक लगाना।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, यहां क्या दिखा हुआ है सर, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। सबसे पहले सर यहां लिखा हुआ है माइनस का 12 और उसके साथ में लिखा हुआ है प्लस का 10, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस होगा। सर एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस हो क्या रहा है सर, मल्टीप्लाई, साइन लिखा हुआ है साफ साफ, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, मल्टीप्लाई ही करोगे। सर माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहता, ध्यान रखना, हर एक बात बार बार रिवाइज करते जाओ मेरे साथ, सुनते जाओ बार बार, अपने माइंड में वापस रिकॉल करते जाओ, जो लाइन बोलो उसको, मल्टीप्लाई में बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो आंसर का साइन रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा सर, इन साइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो प्लस और माइनस सर ऑपोजिट साइन है, और ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे सर, माइनस बनाएंगे। तो ये बनाया सर माइनस, 12 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर, 120, तो इसका आंसर आ गया 120। चलिए आपके पास में 2 सेकंड्स है आपके नोटबुक में टिक लगाने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सर यहां लिखा हुआ है माइनस का 12 और यहां लिखा हुआ प्लस का 10। सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास है मल्टीप्लाई या ब्रैकेट तो नहीं है, आपने चेक किया नहीं सर, इस बार दोनों ही नहीं है हमारे पास में, ना हमारे पास में मल्टीप्लाई है ना हमारे पास में ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं करना है। जब मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आंसर या के साइन किस पे डिपेंड करेगा सर, हमेशा ग्रेटर नंबर पे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब सर एक नंबर आपकी नेगेटिव है और एक नंबर आपकी पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई है नहीं तो क्या होगा सर, ऑपोजिट साइन है, और ऑपोजिट साइन होने पर हमेशा क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन या घटाव होता है। तो 12 और 10 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 2। लेकिन सर आंसर के आगे हमेशा साइन किसका लिखा जाता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा किसका लिखा जाता है सर, बड़ी संख्या का हमेशा यहाँ पर साइन लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास में कौन है सर, बड़ी संख्या वो है सर 12, इसलिए 12 के आगे साइन कैसा सर, माइनस का, इसलिए आंसर में भी साइन कैसा रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, और ये आ गया सर माइनस का 2, क्योंकि सर मल्टीप्लाई नहीं था इसलिए पूरा का पूरा साइन किस पर रहेगा, डिपेंड बड़ी संख्या पर, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए बड़ी संख्या का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, ग्रेटर नंबर का साइन किस पर डिपेंड करेगा, इन साइन के मल्टीप्लाई होने पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सर माइनस का 5 जो एक नेगेटिव नंबर है, माइनस का 6 जो एक फिर से नेगेटिव नंबर है। सर ना इस बार हमारे पास में मल्टीप्लाई है ना ही हमारे पास में ब्रेकेट है, मल्टीप्लाई नहीं है ब्रेकेट नहीं है, तो क्या होगा सर, या तो प्लस या माइनस। सर इस बार हमारे पास में सेम साइन है, समान चिन्ह है, सेम साइन होने पर क्या होता है सर, हमेशा एडिशन या जोड़ होता है। 6 और 5 का एडिशन हो गया कितना हो गया सर, 11, कितना हो गया 11। सर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो आंसर का साइन रहेगा वो हमेशा बड़ी संख्या पर निर्भर करेगा, ग्रेटर नंबर पर, यहाँ ग्रेटर नंबर कौन है सर, यहाँ पर ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या है सर हमारा 6, और 6 का साइन कैसा है सर, माइनस, और इसलिए इसके आंसर में भी कैसा रहेगा सर, माइनस रहेगा, और ये कितना हो गया सर, माइनस का 11 हो गया। दूसरा ये सर क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये माइनस का 5 है और ब्रेकेट है, तो ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का 6 है। सर इस बार हमें इस क्वेश्चन में एकदम से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों संख्याएं किसमें लिखी हुई है सर, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो सर माइनस से। अगर सर सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनाएगा सर, पॉजिटिव बनाएगा, प्लस का साइन बनाएगा, तो ये बनाया सर प्लस का साइन, और 5 6 कितना हो गया सर हमारे पास में 30, ये कितना हो गया 30, ये रहा सर हमारा। चलिए टिक लगा लीजिए आपके पास में 2 सेकंड्स है, चारों क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाओ एक बार, हाँ 30 भी लिख सकते हो, देखो इसको 30 या 30 दोनों लिख सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, यहाँ इस बार लिखा हुआ है प्लस का 13 है, क्योंकि कोई साइन नहीं रहता तो प्लस का होता है, ये भी सर प्लस का 2 है। सर क्या मल्टीप्लाई है, नहीं, क्या ब्रेकेट है, नहीं, तो सर ना मल्टीप्लाई है ना ब्रेकेट है, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई तो होगा नहीं सर, ये संख्या प्लस ये संख्या प्लस, सर सेम साइन, और सेम साइन में हमेशा क्या होता है, एडिशन या जोड़ होता है। 13 और 2 मिलाकर कितने हो गए सर, 15।
सर बड़ी संख्या ढूंढो, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तो ग्रेटर नंबर पे काम होता है सारा। तो सर बड़ी संख्या कौन? 13। 13 करके साइन कैसा? प्लस का। तो ये भी हमारा कैसा रहेगा? प्लस का। या इसको क्या लिख सकते हो सर? प्लस 15। दोनों लिख सकते हो, ऑप्शन में से दोनों को में से कोई एक आएगा। सर यहाँ क्या हुआ? सर यहाँ कहानी ये रहेगी कि 39 ब्रैकेट होने के कारण ओपन होगा तो 2 आ जाएगा। अब हुआ क्या कि सर ये हमारी है प्लस की और ये भी हमारा प्लस का। सर प्लस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सर सेम साइन अगर हमारे मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बनाएंगे? सर प्लस की संख्या बनाएंगे। और मल्टीप्लाई में कभी भी ग्रेटर नंबर का कोई रोल नहीं रहता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं। सर 13 2 जे कितना हो गया सर? 26। या तो 26 या 26, दोनों में से कोई सा भी एक रहेगा। चलिए टिक लगा लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। सर यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि सर ये नंबर है 5 और ये नंबर है माइनस का 14। ये नंबर कितना है सर? माइनस का 14 है। अब आप एक बात देखना सर, बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो सर ये प्लस और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? माइनस से। सर ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सर जब भी ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे आपके तो वो क्या बनाएंगे सर? माइनस बनाएंगे। तो ये तो बनाया माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ग्रेटर नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता, बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई तो डिपेंड ही नहीं करता। सर 14 5 जे कितना हो गया? 70। तो आंसर कितना आ गया सर? माइनस का 70 आ गया। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। सर सर यहाँ हाँ सर हमने ब्रैकेट भी लगा दिया, मल्टीप्लाई भी, तो इनको डबल डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल डबल कैसे करोगे? देखो मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास में 5 मल्टीप्लाई माइनस का 14 है तो मल्टीप्लाई ओपन करोगे तो भी वो 5 मल्टीप्लाई माइनस का 14 ही रहेगा। ओके वो मल्टी सर ध्यान अरे ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट हो तो दोबारा 2 मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं यहाँ, इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है सर। माइनस का 5 और ये लो सर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो। माइनस कितना आ जाएगा सर? माइनस का 12। एक नंबर किसका है सर? माइनस का। एक नंबर किसका है सर? माइनस का। एक मिनट रुकिए सर, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, फिर माइनस और माइनस सेम साइन। बस ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, अपने माइंड में इसी तरह सोचना है, माइनस और माइनस सेम साइन, ये लिखना नहीं, ये माइंड में चल रहा है आपके। ये कहाँ चलना चाहिए? ये माइंड में चलना चाहिए। सर सेम साइन बनाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में ये बनाया प्लस, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ सर? ये लिखा हुआ सर माइनस का 5, ये लिखा हुआ माइनस का 12। सर ना तो इस बार मल्टीप्लाई है ना इस बार ब्रैकेट है, ना मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट है। मतलब कि सर अगर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट नहीं होता तो क्या होता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। सर एक नंबर माइनस का, एक नंबर माइनस का, सेम साइन। और सर सेम साइन होने पर तो क्या होगा? सेम साइन होने पर तो हमेशा एडिशन होगा। चलो 12 और 5 को एडिशन करो, कितना होगा? 17। लेकिन सर मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए बड़ी संख्या का रोल रहेगा। इस बार बड़ी संख्या कह रही कि भाई मेरे को क्यों भूल गई, इस बार मल्टीप्लाई थोड़ी है, मेरे को भी तो काम मिलो। इस बार मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता आपको, लेकिन मल्टीप्लाई आपने लगाया नहीं, इस बार तो मेरा पूरा राज रहेगा। जैसा मेरा साइन होगा वैसा आंसर के साइन लिखो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास माइनस हो तो ये ले, आंसर में माइनस लगा देते हैं, और ये हो गया माइनस का 70। क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है? इसका पावर खत्म हो जाता है। अभी इसके पास पावर है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ क्या हुआ सर? ये नंबर प्लस पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। अपने माइंड में इसी तरह सोचना है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है। क्या सर मल्टीप्लाई है? क्या सर ब्रैकेट है? नहीं सर, दोनों ही काम नहीं है, दोनों ही काम नहीं है। तो फिर तो एडिशन है सब्ट्रैक्शन, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस। सर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन होने पर क्या होता है सर? हमेशा सब्ट्रैक्शन। चलो 14 और 5 को अगर माइनस करेंगे, 14 और 5 को अगर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या अंतर करें तो हमारे पास फिर कितना बचेगा सर? 9। लेकिन सर इस बार बड़ी संख्या हमें ये कह रही है कि मल्टीप्लाई नहीं है,
नहीं है, तो फिर मेरा प्रभाव तो रहेगा, फिर तो मेरे पास पूरा पावर है। हमने कहा ओके आपका पावर हो तो हम आपके पावर को काम में लेंगे। इसने कहा देखो भाई मेरे पास माइनस है तो आंसर में माइनस लगा दो। हमने कहा ये लो आंसर में माइनस लगा दिया और इस तरह हो गया हमारा, माइनस का 9 हो गया। ओके आपके पास में 2 सेकंड्स है अपने आंसर पे टिक करना। ऊपर चलते हैं, ये रहा सर यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है सर पॉजिटिव नंबर है और ये हमारी सर नेगेटिव नंबर है। सर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव। चलिए सर एक नंबर क्या सर मल्टीप्लाई है? नहीं। क्या सर ब्रैकेट है यहाँ पर? सर दोनों ही नहीं है। जब सर दोनों ही नहीं है तो फिर तो हमें पता है कि बड़ी संख्या का पावर रहेगा ये प्लस ये माइनस। सर ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 22 में से 4 माइनस करो, 2 उधर से लेंगे 2 उधर से रहेंगे, तो हमारे पास में रहा सर 18। अब बड़ी संख्या कैसे? देखो भाई हमारा तो पावर रहेगा इस बार क्योंकि आपके पास में बड़ी मल्टीप्लाई नहीं है ना ही ब्रैकेट है, तो हमारा पावर कैसे खत्म हो सकता है? मल्टीप्लाई होने पर तो हमारा पावर नहीं रहता। तो हमने कहा ठीक है आपके पास में क्या है, हमारे पास में प्लस है तो हमारे आंसर में भी प्लस रहेगा। जो आप कहोगे वो हम लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ पहले 22 है पॉजिटिव मल्टीप्लाई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई पहले से लिखा हुआ है। तो सर एक नंबर आपका पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, लेकिन सर बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई होने पर बड़ी संख्या का तो पावर ही नहीं है, तो क्या करें सर? 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 माइनस। सर फिर सर देखो मल्टीप्लाई में कैसे साइन आ गए सर? ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई के क्या बना देंगे सर? माइनस। तो आंसर में क्या रहेगा सर? माइनस। और इस तरह ये हमारा रहा सर माइनस का 18। रुकिए एक मिनट बोलेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ इन पे लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। वी बोर्ड मास में क्या होंगे सर? हमारे पास में एक से ज्यादा होंगे, मैं आपका मिल गया है 12 out of 12। वहां क्या होगा आपके पास में एक से ज्यादा नंबर्स होंगे, हो सकता है कि नंबर के साथ में फ्रैक्शन नंबर साथ में हो, डेसिमल नंबर साथ में हो, उस तरह हम उस पे ऑपरेशंस हम उन पे संक्रिया करने की ट्राई करेंगे। और अब हम चलते हैं सर हमारे वी बोर्ड मास की तरफ। वी बोर्ड मास का यूज करते हुए और इस साइन का यूज कर वापिस दिखा देता हूं, ठीक है? मास रूल आधा थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा हमें वी बोर्ड मास के लिए। और ये रहा हमारा वी बोर्ड मास। दोबारा एक बार के लिए रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ। वी बोर्ड मास जिसे वी वी बोला जाता है सर, विनिकुलम रेखा बंधनी जिसे बार कहा जाता है, यानी कि किसी भी आपके पास में जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा उसके ऊपर एक बार लिखी होगी। बी से बोलते हैं सर ब्रैकेट जिसे बोलते हैं कोष्टक। बी से क्या होता है सर? ब्रैकेट जिसे कोष्टक कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के हमारे पास कोष्टक होते हैं, 3 टाइप्स के, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट मझला कोष्टक और बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक होता है। ओ ऑफ उसका होता है ऑफ जिसे हिंदी में का कहते हैं और जिसे लिखा किससे जाता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। उसके बाद में होता है सर डी। डी फोर होता है डिवीजन जिसे कहा जाता है भाग और जिसे डिवाइड से कहा जाता है। फिर सर एम, एम बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है सर गुणा और इसे क्या किससे लिखेंगे सर? मल्टीप्लाई से लिखेंगे। ए जिसे कहा जाता है सर एडिशन जिसे हिंदी में कहा जाता है योग और इसका मतलब होता है सर प्लस। उसके बाद में नंबर आता है सर सब्ट्रैक्शन का जिसे लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन या घटाव जिसे माइनस से लिखा जाता है। अब इसका यूज कैसे करोगे, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इस बात को हम जानेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के साथ में। ये रहा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर हम इसका यूज कैसे करेंगे और इसका यूज करना हम यहाँ से सीखेंगे, ठीक है? अब यहां से हम सीखेंगे कि सर वी बोर्ड मास का यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो मान के चलो कि फिर आपका एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रोंग नहीं होगा, क्योंकि आपने हमारे साथ में साइन सीख ली कि साइन किस तरह लिखे जाते हैं
और अब हम वी बोर्ड मास का यूज करना सीख लेते हैं। तो जब दोनों बातें हम सीख लेंगे तो फिर तो क्वेश्चन रॉन्ग होने का मतलब ही नहीं है। चलिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, एक इधर क्वेश्चन, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसलिए यहां देखिए इधर क्वेश्चन लिख लेता हूं। सर 40 + 20 - देखो एक बार के लिए कोई स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएगा नहीं, क्योंकि बनाओगे तो फिर मैं जो बोलूंगा ना वो बातें आप भूल जाओगे और वो एग्जाम में आपके लिए बहुत काम आने वाली है जो मैं बोलता हूँ। कई बार क्या होता है मैं लिखता नहीं हूँ, मैं कुछ बातें ऐसे बोल देता हूँ, वो ध्यान रखना, उन बातों को सुनना बहुत जरूरी है। प्लस 40 ये हमारे पास में सर क्वेश्चन है, बोलो। सबसे पहले देखो हमने एक रूल सीखा था, क्या देखा, हम इधर वो रूल भी लिख लेते हैं ना साथ ही, उस रूल का यूज करना सिखा रहा हूं मैं यहां से आपको। सर वो रूल होता है वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। अब यहां देखना, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहां पर विनिकुलम या रेखा बंधनी दिखाई दे रही कहीं भी आपको? भी नहीं सर, अरे बोलना नहीं है, देखो माइक, देखो आपको बोलना है लेकिन माइक म्यूट करके बोलना है ना, माइक म्यूट रख के फिर बोलना है, बोलना तो जरूरी है, नहीं बोलोगे तो आप सीखोगे नहीं। मैंने हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है लेकिन माइक म्यूट रखना है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब देखो सबसे पहले यह विनिकुलम है, मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देना लेकिन माइक म्यूट रख के। विनिकुलम है, कहीं दिखाई दे रही है रेखा बंधनी इसमें? नहीं सर, रेखा बंधनी कहीं नहीं है, विनिकुलम नहीं है। परोस इसके आगे चलो, सर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? यस सर, ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं? सर स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, फिर हमें मिडिल ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में सर बिग ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक दिखाई दे रहा है। कल मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे सर? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मझले कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट को, और उसके बाद में सर बिग ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक को। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे ब्रैकेट पे। सर ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सर हमारा ब्रैकेट है, और सबसे पहले किस तरह नंबर आएगा? सर सबसे पहले नंबर आएगा इसका, सबसे पहले इसको सोल्व करो। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं, 10 / 5 + 3। अब आपके पास में यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए, हाँ जाना हो तभी। अब यहाँ क्या हुआ सर ब्रैकेट में, इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ फिर से हमारे पास में कुछ ऑपरेशन या संक्रियाएं दी हुई है, एक डिवाइड और एक प्लस है। आपको पता है कि पहले क्या करते हैं सर, पहले हम डिवाइड करते हैं उसके बाद में हम प्लस करते हैं, रूल वही लगना है। तो पहले डिवाइड करो, 10 में 5 का डिवाइड किया तो 2, 2 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया 5, तो सर ये ब्रेकेट में तो हो गया 5। और इसके इधर क्या लिखा हुआ है 2, ये किस में लिखा हुआ सर? हमारे इस कोष्टक में लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना, इसके जगह आपके पास में कितना आ गया सर? इसके जगह हमारे पास में आ गया 5। 5 के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2 के इधर, 2 के इधर कितना लिखा हुआ है? 30, और ये ब्रैकेट इधर फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अभी अभी मैंने क्या सिखाया था कि सर आपने ये सिखाया था कि अगर हमारे पास में यहाँ अगर ब्रैकेट में कोई नंबर होगा तो मल्टीप्लाई में होगा। आपको पता है ना कि अगर मैं 2 × 5 लिखूं तो क्या लिखूंगा उसको, तो 2 × 5 ही लिखूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो 2 × 5 से कितना हो जाएगा 10। अब 10 किस में आ गया सर? ये हमारा इस ब्रैकेट में आ गया, बाहर मल्टीप्लाई, और ये 30, दोबारा समझा रहा हूँ ना, यहाँ क्या हो गया सर? मल्टीप्लाई हो गया। तो सबसे पहले क्या किया सर हमने, स्मॉलर ब्रैकेट को ओपन किया, सबसे पहले किसको किया? स्मॉलर ब्रैकेट को ओपन किया। डिवाइड था तो पहले हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्योंकि डी पहले आता है ए बाद में आता है, डी हमेशा कहाँ आता है? पहले, फिर ए बाद में आता है। तो 10 / 5 तो 2, और प्लस कितना हो गया 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अब सर ये यहाँ पर हो गया, एक काम करता हूँ मैं इसको ना इसको यहाँ से उठा के साइड कर देता हूँ जिससे आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ क्या हुआ इसे, इसके बाद में हमने देखा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 × 5 = 10 यहाँ पर आ गया। अब इधर देखो, अभी भी मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट ब्रैकेट ही रहेगा,
इसलिए ये कितना हो गया सर, ये अगर आप 30 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 है ना, ये तो 30 मल्टीप्लाई 10 भी कह सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना हो गया सर 300, और किस में आ गया सर, इस ब्रैकेट में आ गया। अब आपने इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में सर, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में आ गई सर 300, जो ये रही सर। इस 300 के प्लस में क्या लिखा हुआ है 40, जो ये लिखा हुआ है इधर, इधर कितना लिखा हुआ है सर 40 + 20 - 40 + 20 और ये माइनस लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन कर दो, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ ये नंबर कैसी है सर, ये प्लस की है, यहाँ बाहर क्या है माइनस, सर अंदर प्लस बाहर माइनस। एक बात बताओ, अगर माइनस है और प्लस है, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है मल्टीप्लाई, दोनों नंबर मल्टीप्लाई के क्या बन जाएंगे माइनस। यस कोई बात नहीं, अब यहां क्या हुआ कि देखो एक नंबर माइनस का था, एक नंबर अंदर प्लस का था, और आपको पता है कि जब ब्रैकेट बाहर ओपन होगा, ऐसे समझो ना, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको, इधर लेके ये माइनस है और ये अंदर क्या है सर 300। कल याद करो आपके पास में कुछ ऐसा आ रहा था, ए माइनस बी लिखा हुआ था, हम क्या किए थे माइनस ए प्लस बी कर रहे थे ना, क्योंकि माइनस इसके साथ में मल्टीपल हो रहा था, माइनस माइनस होके प्लस हो रहा था, बस इस बार भी यही होगा। यहाँ ये नंबर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, माइनस और प्लस गुणा होके, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये कितना बनेगा सर माइनस का 300 यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखना, आपके पास में कुछ नंबर सीखे हुए हैं, ये नंबर प्लस का है, याद करो मैंने एक बार आपको बातें सिखाई थी कि सर ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर फिर से पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, और आपको पता है कि पहले एडिशन किया जाता है, सेम अगर साइन हो, समान चिन्ह हो, तो हमेशा क्या करते हैं सर, हमेशा समान चिन्ह होने पर हमेशा सर हम प्लस करते हैं। तो बताओ 40 40 80 और 20 कितना हो गया 100, तो यहाँ से आ गया, और माइनस का 300 यहाँ से आ गया। आपको भी सर 100 कैसे आया, देखो 100 ऐसे आया, ये 40 प्लस का है, ये 20 प्लस का है, ये 40 प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं हमेशा सर, हमेशा प्लस करते हैं, सेम साइन होने पर एडिशन करते हैं, तो 40 20 60 60 और 40 कितना हो गया 100, इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सर 40 है, तो प्लस का रहा। अब यहाँ क्या हुआ, एक संख्या पॉजिटिव, एक संख्या कैसी है पॉजिटिव, एक संख्या कैसी है नेगेटिव, माइनस होगा, कितना आंसर आएगा सर 200 आएगा। लेकिन सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने एडिशन किया है, एडिशन करने पर हमेशा बड़ी संख्या का प्रभाव रहता है, एडिशन करने पर किसका प्रभाव रहता है, बड़ी संख्या जैसा कहती है वैसा हमें करना पड़ता है। बड़ी संख्या कह रही है कि मेरे पास माइनस है, आंसर माइनस लगाओ, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए पावर किसके पास में है, ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या के पास में। और ये हमारा इस तरह सोल्व हुआ। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, क्योंकि विनिकुलम या रेखा बंधनी नहीं है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट को सोल्व किया, उसमें सबसे पहले डिवाइड था, एक प्लस था, तो डी और ए, पहले डी आता है इसलिए डिवाइड करेंगे, 10 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आया सर 2, 2 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया सर 5, तो ये तो इस कोष्टक का पूरे का वैल्यू कितनी हो गई 5। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, अब 2 कोष्टक 5, 2 ब्रैकेट 5, ब्रैकेट को ओपन किया मल्टीप्लाई, तो 2 5 जे कितना हो गया 10। अब यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 10, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहेगा, 30 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 300। अब देखो इसका पूरे का वैल्यू कितना आ गया 300, पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, पूरे की वैल्यू जो रही सर हमारे पास में वो 300 यहाँ से वैल्यू रही। दूसरी बात, ये +40 इधर रहा, इधर कितना सर 40 + 20 - अब आप एक बात बताओ, ये यहाँ पर प्लस का है बाहर माइनस का, ब्रैकेट के यहाँ पर क्या रहता है मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं माइनस, और ये रहा सर माइनस का 300, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो पहले सेम सेम साइन को एडिशन कर लो, समान चिन्हों को पहले प्लस कर लो, समान चिन्हों को प्लस किया तो ये 40 20 60 और 60 में 40 प्लस किया तो 100 प्लस का रहेगा, क्योंकि तीनों नंबर प्लस की थी तो प्लस का आ गया। यहाँ 100 - 300, 100 - 300, एक प्लस एक माइनस क्या होगा सबट्रैक्शन, तो आया 200, ग्रेटर नंबर माइनस की, इसलिए यहाँ भी किसका रहेगा माइनस का। और इस तरह हम वी बोर्ड मास का यूज हम करके इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, और ये देख लीजिए आंसर कितना आएगा सर माइनस का 200 हमारे पास में आंसर रहेगा। ये हमारा ये नहीं है माइनस का। देखो यहाँ पता गलती क्या हो सकती है, यहां से मैं गलती बता देता हूँ आपको,
कई बार गलती क्या होती है कि हम ऐसे कर देते हैं, 40 प्लस 20 माइनस का 300 प्लस का 40। अब पता है हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इधर तो कर दिया 60 और ये इधर कर दिया हमने 340, इधर क्या कर दिया 340। जबकि आपको ये नहीं पता कि ये नंबर तो नेगेटिव थी, ये नंबर नेगेटिव थी, ये नंबर पॉजिटिव थी। तो कायदे से तो होना क्या चाहिए, अपन अगर रूल के हिसाब से देखे तो होना क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। आपने क्या कर दिया, आपने एडिशन कर दिया। और बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, इसलिए सब कुछ पढ़े होने के बावजूद भी गलतियां क्यों हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस देख के इन दोनों को प्लस कर देते हैं। आपको इसीलिए वो रूल सिखाए गए थे कि यहाँ पर अगर माइनस हो तो एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, तो कभी उसको एडिशन करके 340 मत कर देना। ये 340 नहीं होंगे, ये पता है इसका आंसर कितना आएगा, अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा आपके पास में 260, वो भी माइनस का। किसका आएगा, माइनस का 260 आएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ये गलत क्यों बताया, क्योंकि ऐसी गलती हम कर देते हैं, ऐसी गलती हम बार बार कर देते हैं जल्दबाजी में। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये गलतियां मत कर देना। इससे पहले भी मैंने इतनी बार आपको ये बता चुका हूँ कि जल्दबाजी में हम यही गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, और ये गलतियां वहां नहीं करनी है। तो इस तरह हमने आज हमने वी बोर्ड मास सीखा, और वी बोर्ड मास के साथ में हमने क्या सीखा कि सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, वो हमने बहुत अच्छी तरह सीखा। ये पीडीएफ में आपको वापिस भेजूंगा, वापिस देखना इसको, ठीक है? ओके, अब जिनको भी कुछ पूछना है वो हैंड रेज कर दें, बाकी क्लास को लीव कर सकते हैं।